यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। जुल्फ का बादल ओ हो, कहीं रंगिया चल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओ हो, कहीं चाल शराबी आहा। दसवीं के स्टूडेंट्स के लिए, टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स रहे हैं, सीबीएसई टेंथ के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। आज तो चिंटू का रिजल्ट है। चिंटू बेटा, चिंटू जी पापा, एक बार इधर आना यार, आज तो रिजल्ट है। ओह नो, फर्स्ट डिवीजन 62%। चिंटू और ये एक नालायक, एक बार बुलाने से कभी नहीं आएगा। चिंटू, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ पापा बोलो, क्यों बुला रहे हो? तुम प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं तो? तुम चीफ मिनिस्टर हो? नहीं पापा। क्यों? तो लौरा एक बार बुलाने से क्यों नहीं आता? पापा मैं रिजल्ट देख रहा था। हाँ, तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? पापा ठीक ठाक। अबे नालायक, ठीक ठाक क्या, बोल नहीं सकता। फर्स्ट डिवीजन 62%। इस देश में तू ही एक नालायक है, और तुझसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। देख बेटा, जिंदगी में जैसा काम करोगे ऐसा ही फल मिलेगा। सो दो, इधर बैठ, न्यूज़ देखते। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, और ये बड़ी खबर है। अरे नालायक, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है क्या? बैठना, मुझे न्यूज नहीं देखना है। तो क्या, सनी लियोन का डांस लगा दे। तो आपने तैयारी कैसी करी थी अपने एग्जाम्स को लेकर? मैं एग्जाम टाइम में 6 to 7 hours डेली पढ़ता था, कंसंट्रेशन के साथ, और कंटिन्यू रखी थी मैंने पूरे साल। देख देख, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था और सिर्फ एक मार्क कम आया है, और तेरा 62%। पापा इसमें क्या बड़ी बात है, हमें तो अभी एडमिशन मिलेगा ना। चुप नालायक, शर्म नहीं आते? पापा मैं जाऊँ, मम्मी बुला रही है, मैं जाऊँ। मैं तो बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। देख बेटा, तेरे बाप का आँख के पावर कम है गया, कान के। ओके ओके, देखता हूँ। ओके, 10th क्लास की टॉपर शिवानी लट, जिन्होंने 500 में से 499 मार्क्स हासिल किए हैं। तेरे मैथ्स में कितना आया? 60। इसे देख, लड़की है फिर भी मैथ्स में 100 आया, कुछ तो सीख उनसे। नालायक, पापा मुझे सुसु आया है, मैं जाऊं। क्यों? टिकटॉक बनाना है। भगवान है कहाँ रे तू? एक सवाल ये उठता है, जिस दिन रिजल्ट आता है किस तरह की फीलिंग रहती है? और अब रिजल्ट आ चुका है और टॉप भी कर लिया है। जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। इनफैक्ट आई वाज क्राइंग बिकॉज़ आई वाज सो नर्वस, मतलब आई वाज ऑन माय वे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल एंड आई वाज वेरी वेरी नर्वस, माय फिंगर्स वाज क्रॉस्ड। माय ब्रदर ओपन्ड द रिजल्ट एंड ही वाज लाइक ही, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्सटैटिक जॉय। देख नालायक देख, कुछ तो सीख इनसे। जर्नलिस्ट हिंदी में सवाल कर रहे हैं और वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, और तू नालायक है जो हिंदी सही से नहीं बोलते। मम्मी, और सही है क्या? तो 499, क्या आपने सोचा था? नहीं, इतना तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ एक उम्मीद थी कि 98% आ जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद तेरा कितना परसेंटेज आएगा बोला था? पापा 75। हाँ, और आया कितना? अभी तो बताया 62। सीधा 14% कम। पापा 15%। शर्म नहीं आते नालायक, बाप को तो सिखाता है। तेरा सब्जेक्ट कितना था? पापा 6 subjects था। ट्यूशन कौन कौन सब्जेक्ट का था? 6 subjects का ही ट्यूशन था। मेरे मेहनत की रुपया तू मिट्टी में मिला दिया, तू मिट्टी में मिला दिया इतना रुपया। पापा टीवी ऑफ कर दूं? क्यों बे, शर्म आ रहा है? तेरे पास अगर शर्म नाम का कोई चीज होता तो ठीक से पढ़ाई करता, और आज 62% नहीं आता। So, अब आगे का क्या इरादा है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? 10th जो सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी कहेंगे इसको, आपने पार कर लिया है। 11th, 12th एंड देन क्या टारगेट है? आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर एंड प्रोबेबली फ्रॉम IIT, आई विश टू बी एन IITian, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक बात याद आया, तू फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? पापा मैं टिकटॉकर बनना चाहता हूँ। इतना मेहनत से रुपया कमा के तुझे देता हूँ टिकटॉक पे मुजरा करने के लिए। ओए नालायक, टिकटॉक पे मुजरा करने के लिए मेरा जूता फट गया। पापा कुछ मत बोलो, इधर लगता है कुछ मत बोलो। मैं क्यों ना बोलूं? देख बेटा, टिकटॉक से मुझे दिक्कत है, यूट्यूब से नहीं। तू ये क्या करता है, बहन के लिपस्टिक लगा के, माँ के साड़ी पहन के, यार क्या करता है? पहले पार्ट में तूने क्या ना किया तू मुझे बताओ, ये दर्शक तो देखते हैं ना। तू एक काम कर, तू यूट्यूब पे वीडियो बना। पापा देखो, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए टैलेंट की जरूरत है, और वो चीज मेरे पास नहीं है। तू मुझे एक बात बता कि तेरे पास है क्या? अगर तेरे पास टैलेंट भी नहीं है तो तेरा वीडियो टिकटॉक पे कैसे वायरल होगा? पापा ये सब करने की एक ही फायदा है, अगर मैं ये सब करके वीडियो बनाऊंगा तो कैरिमिनाटी रोस्ट करेगा। अबे साले, अगर एक बार कैरिमिनाटी मुझे रोस्ट कर दे तो आई एम गोइंग टू फेमस।
केरी मिनटी मतलब जो रोस्ट करता है, अरे बेटा वो जिसको रोस्ट करता है उसे नंगा करके तेल लगा के मारते हैं। देख लिया ना हमें सिद्दीकी का क्या हाल कर दिया। देखो पापा आप मुझे ऐसे डिमोटिवेट मत करो, मुझे केरी मिनटी के मुंह से गाली सुनना है चाहे मेरे कान फट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह नो, ओ तुझे गाली चाहिए गाइस। वीडियो को एक लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो, बिंदास निजू कर दो ना प्लीज। नहीं अबे साले जो माफ करना। जवाब तेरा कोई ना।